डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक लेंस जब एक लिक्विड में डुबा दिया जाता है तो उसका बिहेवियर कैसा चेंज होता है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। तो जब लेंस एयर में होता है तो उसके फोकल लेंथ के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। When a lens is kept in air, its focal length is given by 1 by focal length in air is equal to n minus 1 1 by R1 minus 1 by R2। ठीक, इतना। यहाँ पर N क्या है? यह N है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ऑफ द लेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर। विथ रिस्पेक्ट टू एयर मतलब ये कि यह n एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये हो जाता है एन जी बाई एन ए। इट इज ऑल्सो गिवन बाई एन जी बाई एन ए एंड दिस आर फोर 1 बाई एफ ए इज इक्वल टू एन जी बाई एन ए माइनस 1 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। और आपको मालूम है कि एन ए की वैल्यू कितनी होती है? यह एन ए इज इक्वल टू 1। एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 1 लेते हैं तो एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, और 1 हो गया तो क्या मिलेगा? एन जी माइनस 1 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। योर फर्स्ट इक्वेशन, if the lens is immersed in a liquid of a refractive index nl, then the focal length is given by, तो हम फोकल लेंथ किस फॉर्मूले से देंगे? 1 बाई फोकल लेंथ इन लिक्विड इज इक्वल टू एन जी बाई एन एल। अब एयर की जगह लिक्विड आ जाएगा, माइनस 1 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2। योर इक्वेशन नंबर 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, हम दोनों को डिवाइड कर दें तो 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या देगा? एफ एल ऊपर आ जाएगा, एफ ए नीचे होगा, 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2 कैंसल, ये बच जाएगा। तो क्या बच रहा है? एन जी माइनस 1 अपॉन एन जी बाई एन एल माइनस 1, बस इतना। एंड देयर फोर एफ एल इज इक्वल टू एन जी माइनस 1 अपॉन एन जी बाई एन एल माइनस 1 इंटू एफ ए। तो एक लेंस जिसका एयर में फोकल लेंथ इतना है, कोई एक लिक्विड में डुबा देंगे तो इतना उसका फोकल लेंथ इतना मिलेगा। ठीक, इतना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन आ सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस आपको मिल सकते हैं। कौन कौन से? इफ एन एल इज लेस देन एन जी,
मतलब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। जैसे आपका लिक्विड मान लो वाटर है, तो वाटर के लिए होता है 4/3 और ग्लास के लिए जनरली होता है 3/2। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा मिला, वाटर का कम मिलेगा। वाटर की कंपैरिजन में ग्लास तो एक डेंसर मीडियम होता है ना, तो ज़्यादा मिलेगा। तो बड़े में से छोटे को डिवाइड करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा एट लीस्ट ग्रेटर देन वन, और जब वो ग्रेटर देन वन में वन घटाओगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। ये भी पॉजिटिव होगा, यानी पूरा रेशियो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और इसलिए यदि एफ ए पॉजिटिव है तो एफ एल भी पॉजिटिव मिलेगा, एफ ए निगेटिव है तो एफ एल भी निगेटिव मिलेगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ निगेटिव मिलता है, ठीक है। तो यदि एफ ए पॉजिटिव है तो एफ एल भी पॉजिटिव, एफ ए निगेटिव है तो एफ एल भी निगेटिव। यानी लेंस का नेचर नहीं बदल, फोकल लेंथ वाली बदल जाएगा लेकिन नेचर नहीं बदलेगा। कॉन्वेक्स लेंस विल बिहेव लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस, ऑफकोर्स ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ, बट इट बिहेव लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस। एंड सिमिलरली ए कॉन्केव लेंस विल बिहेव लाइक ए कॉन्केव लेंस, देयर इज नो चेंज इन द नेचर ऑफ द लेंस, ठीक है ना। देन नेचर ऑफ द लेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, उसमें कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट, इफ एन एल इज ग्रेटर देन एन जी, यानी लिक्विड जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ज़्यादा है। हमारे पास ऐसे कुछ लिक्विड जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से भी ज़्यादा होता है, तो क्या हुआ, डिनोमिनेटर छोटा न्यूमरेटर बड़ा, सॉरी न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो ये तो रेशियो आएगा लेस देन वन, और लेस देन वन में भी आप वन सब्ट्रैक्ट करोगे तो निगेटिव आ जाएगा, यानी ये जो रेशियो है ये निगेटिव होगा। और इसलिए यदि एफ ए पॉजिटिव है तो एफ एल निगेटिव, एफ एल निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव और आ रहा है तो फिर एफ एल पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि एयर में यदि वो लेंस कॉन्वेक्स के समान बिहेव कर रहा था तो लिक्विड के भीतर वो कॉन्केव के समान बिहेव करेगा, और यदि एयर में वो कॉन्वेक्स था कॉन्केव था तो लिक्विड के भीतर वो कॉन्वेक्स बन जाएगा, नेचर चेंज हो जाएगा, ठीक। देन नेचर ऑफ द लेंस विल चेंज, लेंस का नेचर चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, कॉन्वेक्स बदल जाएगा कॉन्केव में, और कॉन्केव ये बदल जाएगा कॉन्वेक्स में, नेचर बिल्कुल 180 डिग्री से टर्न हो जाएगा, ठीक है। यही कारण है कि पानी के भीतर जो एयर बबल होता है, ये एयर बबल पानी के भीतर, तो एयर बबल के सरफेस जो है वो स्फेरिकल है, यानी कि एक लेंस बन गया ये। किसका लेंस, एयर का लेंस। और एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपैरिजन में सराउंडिंग यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हो गया, तो ये है तो एक्चुअल में किस शेप में, किस शेप में, कॉन्वेक्स लेंस के शेप में, लेकिन इसका बिहेवियर कैसा होगा, कॉन्केव के समान, कॉन्केव के समान, यानी पैरेलल लाइट आएंगे और ऐसा डाइवर्ज हो जाएगा, पैरेलल लाइट आएगा डाइवर्ज हो जाएगा, यानी इट विल बिहेव लाइक ए कॉन्केव लेंस। तो ये होता है। एंड लास्ट, इफ एन एल इज इक्वल टू एन जी, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, ग्लास और लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल, जैसे कनाडा बालसम एक लिक्विड होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आता है। तो ऐसे किसी लिक्विड में हम डुबा दें, ये दोनों इक्वल हैं, तो रेशियो वन मिला, वन माइनस वन यानी जीरो हो गया, तो एफ एल तो इन्फिनिटी हो जाएगा, देन एफ एल विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। अरे फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो गया,
इसका मतलब कि फिर वो लेंस ही नहीं है, लेंस ही नहीं है। हमने क्या कहा था कि जब पैरेलल रेज आते हैं और लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ जाके मिलते हैं ये फोकस होता है, और जिसका डिस्टेंस जो है लेंस से वो फोकल लेंथ हो जाता है। अब यहाँ पर फोकल लेंथ इन्फिनिटी, इसका क्या मतलब कि हमने लेंस किसी ऐसे लिक्विड में डुबा के रख दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है, तो क्या होगा, पैरेलल लाइट रे आए, ये पैरेलल लाइट रे आके इंसिडेंट हुए। अब ये कहाँ जाके मिलेंगे, इन्फिनिटी पर, फोकल लेंथ इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पर कौन मिलते हैं, तो पैरेलल रेज मिलते हैं भाई, तो पैरेलल आए और पैरेलल ही निकल गए, देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द लेंस। और लेंस का मेन वर्क क्या होता है, लाइट रे को बेंड करना, और वो ये नहीं कर पा रहा है, और इसका मतलब हुआ कि ये लेंस के समान बिहेव नहीं कर रहा है, इट सिंपली बिहेव्स लाइक ए ग्लास स्लैब। जब आप एक ग्लास स्लैब में लाइट डालते हो तो पैरेलल लाइट डालने से पैरेलल ही निकल जाता है, तो ग्लास स्लैब बन गया ये, ठीक है ना। तो एफ एल इन्फिनिटी का मतलब इट इज नाउ नॉट ए लेंस, ये अब लेंस नहीं रह गया, एक सिंपल ग्लास शेप के समान बिहेव कर रहा है, एंड देयरफॉर द लेंस कैन नॉट बिहेव लाइक ए लेंस। तो यह है, एक लेंस के भीतर किसी एक लिक्विड के भीतर किसी लेंस को हम जब इमर्स कर देते हैं, डुबा देते हैं, तो उसके बिहेवियर में, उसकी फोकल लेंथ में किस तरह के चेंज आता है, वो सब कुछ डिपेंड करता है ग्लास और लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस पर। और फोकल लेंथ इन लिक्विड इज गिवन बाय दिस फार्मूला, इस फार्मूले को याद रखिएगा, ओके। तो ये बिहेवियर ऑफ द लेंस इनसाइड ए लिक्विड। तो मैं समझता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, फिर भी यदि कोई डाउट हो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, जय हिंद, नमस्कार।